नमस्कार भाई। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे पिताजी उस्ताद मोदी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 7 मार्च को देहांत हो गया रोड एक्सीडेंट में। अब उनकी जो पगड़ी थी उस्तादी की, वो काफ़ी विचार विमर्श के बाद मैंने अपनी मम्मी के साथ भी डिस्कशन किया है और पूरी तालीम के डिसीजन के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि आगे उनकी गद्दी दीपू भाई संभालेंगे। और ये दीपू भाई के साथ भी उनका बहुत प्यार रहा है पापा। और वो काफ़ी 2025 में उन्होंने सोच लिया था कि वो अपनी गद्दी किसी न किसी को तैयार करके देना चाहते थे और उसमें दीपू भैया का नाम प्रबल नंबर पर था उस टाइम पर। तो आई थिंक दीपू भैया का पूरा रेडी हैं वो संभालने के लिए आगे पापा की गद्दी। बस हम ये चाहते हैं कि भाई भाइयों में सारा प्यार बना रहे, कोई भी इस डिसीजन के अगेंस्ट ना रहे, सब दीपू भाई को सपोर्ट करें और आगे पूरी तालीम का नाम आगे लेके। ये परिवार की थी और ये परिवार से बाहर नहीं जाएगी, कोई बाहर का बंदा दखलंदाजी कोई भी। ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम पगड़ी खरीदना चाहते हैं, ना हम इसके बेचने के फेवर में थे। हम सरदार हैं और हमारे यहाँ पे पगड़ी को पगड़ी से ऊपर किसी चीज का हम ये पगड़ी बेचने के बिल्कुल फेवर में नहीं है। ये घर की पगड़ी है और इस तालीम के बाहर नहीं जाएगी। ये एक परिवार है जो बब्बी उस्ताद ने अपना बनाया है और ये परिवार की तरह ही रहेगा आगे। आप लोगों का सपोर्ट दीपू भैया को प्लीज़ ऑफर करिए और जो लोग बाहर के हैं उनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप बब्बी उस्ताद को अपने प्रेयर्स में रखें और दीपू भैया को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। वो तो बाद में आगे से हम यही रहते हैं पास। पूरा परिवार है, पूरा परिवार है, 150-200 आदमी है। अगर कोई भी बात हो इन बिटवीन पहले रुपया को बात में करना, पहले हम सबको सबसे पहले है। बिल्कुल हमें अपना बच्चा भाई ही समझ के काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद है। पापा हमेशा से बोलते आए थे कि मेरा यह परिवार ही है और मेरे को साथ में रखना है सबके, और बहुत प्यार रहा है सब लोगों का, बहुत सपोर्ट रहा है। आगे भी बस मिलजुल के रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका नाम बस ऊपर ही लेके जाए। हमेशा परिवार रहेगा और आपके साथ रहेगा भी, हमेशा सपोर्ट रहेगी पूरी हर चीज की। किसी भी उस्ताद जी की इज्जत और मान मर्यादा और ये सीमित रहेगी बढ़िया बस।